अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 की उत्तेजना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान जम्मू के उत्तरी छोर से लेकर तिरुवनंतपुरम के दक्षिणी सिरे तक देश भर में फैल गया है। एक शानदार जीत हासिल करने के अटूट संकल्प के साथ पीएम मोदी ने 400 संसदीय सीटों के ऐतिहासिक जीत की कल्पना करते हुए अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अपने अथक चुनाव अभियानों में पीएम मोदी ने विवादास्पद मुद्दों को उठाया, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। चर्चा के प्रमुख विषयों में मुसलमानों के लिए आरक्षण, धन पुनर्वितरण, विरासत कर और महिला सुरक्षा शामिल है। लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब SC ST OBC का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है, बाबा साहब आंबेडकर के पीठ में चुरा भोंक रही है। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में RJD भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विपक्ष पर अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की सोच को प्रतिबिंबित करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक लोगों की संपत्ति पर दावा करने का इरादा रखता है। हालांकि राजनीतिक प्रचार के अपने चरम पर पहुंचने के बीच हाल ही में कर्नाटक में BIP के एक महत्वपूर्ण सहयोगी JDS नेता के एक प्रमुख घोटाले ने सत्तारूढ़ दल को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। HD रवन्ना हिरासत में है और उनके बेटे प्रज्वल रवन्ना जर्मनी में अधिकारियों से बच रहे हैं। शराबबंदी का वादा करके सरकार में आए थे, लेकिन आज राज्य सरकार ही शराब की डीलिंग और भ्रष्टाचार करने में लगी। यहां शराब का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और कहने वाले कहते हैं कि आज आंध्र सरकार सैंड माफिया और शराब माफिया ही चला रहे हैं। YSR कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है, लेकिन विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। राज्यों में स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इन विषयों पर पीएम मोदी के जोशीले संबंधों पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जिससे कई शिकायतें और कार्यवाही की मांग की गई। फिर भी चुनौतियों से विचलित हुए बिना पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास के BIP के लोकाचार के अनुरूप न्यू इंडिया के अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार नारे का इस्तेमाल सार्वजनिक सभाओं में कम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में एक सार्वजनिक बैठक में इसका संदर्भ दिया। आखिरी बार पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सागर में 400 पार की बात कही थी। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है, देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार
यह 4 दिनों के अंतराल के बाद था जिसके दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए को 400 संसदीय सीटें हासिल करने के लक्ष्य का कोई संदर्भ दिए बिना 10 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि लोकसभा में 2/3 बहुमत के माध्यम से संविधान में बदलाव के लिए 400 पार का आह्वान एक शर्त है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा, गरीबों एसटी ओबीसी को संविधान के कारण कई अधिकार मिले जिसने उन्हें मनरेगा, भूमि अधिकार, आरक्षण आदि दिया। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो संविधान को फाड़ देगी। पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाएं, ये उनका लक्ष्य है और हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। हालांकि मोदी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह ओबीसी एसटी एससी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। देश के संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने 1 मई को गुजरात के बनासकांठा में कहा, जब तक मोदी जीवित है धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। द प्रिंट के विश्लेषण से यह पता चला कि 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बीच मोदी ने 45 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कुल 110 पार, अब की बार 400 पार का उल्लेख किया। आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग, जिनको आरक्षण मिला है उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो। मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो, नहीं करेंगे क्योंकि लाल में कुछ काला है। जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब अंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। अलीराजपुर 6 मई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह दावा किया कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा नित राजक को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी और इन चुनावों का उद्देश्य संविधान को बचाना है जिसे भगवा पार्टी और आरएसएस बदलना चाहता है। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। हाल ही में अभिनेता और विपक्षी नेता गोविंदा ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ की।
वहीं बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार पर उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। उन्होंने जो काम किया वो ऐतिहासिक है। एक ऐसा इतिहास हो गया है जो इससे कायदा जिसे आप कह सकते हैं कि न भूतो न भविष्यते है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी प्रकार का वास्तु शब्द दोष और क्रिया दोष। अब की बार